चला, लेकिन इसकी वजह से सब लूटते हैं, सब लूट लेते हैं। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। तो क्या है कि ये सोचने वाली बात है, अच्छा अच्छा करने वाला अच्छा करेगा, बुरे करने वाला और बुरा करने वाला सोचेगा मैं भी राजा बन जाऊं गांव का, तो थोड़ी देर के लिए तो मार झूड़ करेगा, लूटेगा भी। सब लोग सिनेमा देख देख के सीखे हैं भाई साहब, और कुछ नहीं है, किसी को मारना भी नहीं आता था और कुछ नहीं आता था। ये जो डेवलप हुआ है ना, इसकी वजह से आदिवासी तो क्या सोचते हैं हम पहले वाले हो जाए ऐसा। तो मेरी तो आप लोगों को ये विनती है कि जिस तरह से आप लोग अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, मत उठाओ, नहीं उठाइए, यही सलाह दूंगी। तुम लोगों को ऐसा सोचेगा कि वीरों की बुढ़िया को कहाँ से ले आया, लेकिन मैं किसी को मरवाना नहीं चाहती। दीदी मेरे को उठाना होता ना, हाँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि हमें जो कोई आदमी नहीं मारता तो वो मर्द नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं मारने वाला ही मर्द है, मारने वाला तो कमजोर है, वो अपनी औकात को काबू में नहीं रख सकता, नहीं रख सकते, समझे। तो जो बड़ा मार सहन करता है और बेइज्जत बेइज्जती सहन करता है वो तो बहादुर है। मैं पढ़ी लिखी हूँ इसीलिए बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मारने वाला बहादुर है और तुम लोग कमजोर हो। तो कमजोरी एक दिन तुम्हारी बहुत रंग लाएगी, ये जो कमजोर बोलते हैं ना वो बहुत रंग लाएगी। आप लोग इस बात को सभी जगह पे ले जाओ, मेरी विनती है। अच्छा है विनोद ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इनका मैं बहुत आभार मानूंगी। और तुम लोगों औरतों को मैं यही बताती हूँ कि ऐसा ही होता रहता है तो औरतें तो ही जाओ, सब मिलके गवर्नमेंट के पास। कहाँ रहती है वसुंधरा और कहाँ रहता है सीएम, कौन आया है, अशोक गहलोत, हाँ कहाँ रहते हो भाई, जाओ वहाँ पे। मैं कहती हूँ अगर नहीं जा सकते मुझे लेके जाओ, सब गांव वाली औरतें इकट्ठी करो। ये क्या हो रहा है, ये देश आजाद है, गुलाम है, हमने गुलाम में भी ऐसा मार नहीं खाया किसी का। क्या आदिवासी मारते थे तुम्हारे बूढ़े अगर जिंदे हैं मेरी उम्र के तो पूछो, हम नहीं मारते थे किसी को। तो ऐसा पहले हमारे ऊपर किसी ने राज नहीं किया, पहले से आदिवासी आजाद है, अब हम गुलाम हो गए आजादी में, जो हमारी बात कोई नहीं सुनता। सही बात है कि नहीं, सही बात है ये। हाँ तो यही बोलती हूँ माताओं, सब इकट्ठी हो जाना, दूसरे गांवों को भी बुलाओ, और अकेली न जा सको तो मुझे बुलाना, हम जाएंगे सीएम के पास, भाई हमारा ये समस्या है उसका समाधान करो, बराबर बोलोगे ना। कितनी आएगी मेरे साथ बोलो, हाथ उठाओ, कितनी आएगी। सब इकट्ठी हो जाओ, दो तीन गांव की जितनी हो इतनी, बराबर।